अखंडमंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदू नवसंवत 2080 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके लिए लाए हैं हम कुछ शुभ समाचार। तो भविष्य दर्पण के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि नवसंवत का जो आकाशीय मंत्रिमंडल बना है वो कौन कौन सी घटनाएं घटा सकता है, अर्थात राजा, मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष, कृषि मंत्री, ये कौन कौन से ग्रह इनको ये विभाग मिला है और इस पिंगल नवसंवत में इनकी क्या क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ष के राजा की, और इस संवत के राजा बुध हैं। बुध के प्रभाव से एक चीज जो मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है वो है लोगों के भीतर उत्साह और क्रोध। इस समय पर दुर्घटनाओं के प्रभाव से शुभ जनमानस के साथ प्रकृति भी प्रभावित हो सकती है। मंगल के प्रभाव के कारण चीजों की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। इस समय पर चीजों में बदलाव भी देखने को मिलेगा। भारी वर्षा और चक्रवात की स्थिति हो सकती है। अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पशुओं की कमी या पशुओं की हानि हो सकती है। शासन के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल सकता है। इस संवत के मंत्री शुक्र होंगे, इस कारण स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। मंत्री होने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के खींचतान बढ़ेगी। राज्यों में चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार होने से हिंसा की स्थिति पनपेगी। जनता के मध्य उपद्रव होने की स्थिति रहेगी। जनधन की हानि होने और नेताओं में परस्पर विरोध की स्थिति भी दिखाई देगी। रोगों की अधिकता से लोगों के अंदर भय की वृद्धि हो सकती है। धार्मिक भावनाओं के प्रति रूढ़िवादिता देखने को मिलेगी। लोग चोरों और तस्करों के कारण परेशानी झेल सकते हैं। सशेष फसलों का स्वामी सूर्य है। इस समय सशेष सूर्य के होने से रस भरे फलों की कम पैदावार हो सकती है। सूर्य का प्रभाव होने से रस और दूध और फलों के दामों में वृद्धि दिखाई दे सकती है। इसी के साथ ही इन फलों के अतिरिक्त गेहूं, गन्ना और फलदार वृक्ष और फूलों की पैदावार भी अच्छी हो सकती है। मौसमी फलों की पैदावार भी अच्छी हो सकती है। सोना, चांदी, घी, तेल, चावल इत्यादि का व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा होगा। कृषि के क्षेत्र में अच्छा रुख दिखाई दे सकता है। पशुओं से लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। खेती से जुड़े व्यापारियों को भी लाभ मिलने की अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। मेघेश गुरु का प्रभाव क्या होता है ये बताते हैं। मेघेश यानी वर्षा के स्वामी, तो इस साल गुरु को मेघेश का स्थान प्राप्त हुआ है। गुरु के प्रभाव से प्रतिकूल वर्षा की स्थिति देखने को मिल सकती है। समाज में इस कारण अव्यवस्था फैल सकती है। बाढ़ और भूस्खलन का प्रभाव भी पड़ सकता है। मेघेश का प्रभाव जहां पर होगा उस स्थान पर दूध और रसदार पदार्थों का प्रभाव अनुकूल रूप से रहेगा। लोगों को इन सभी का लाभ मिलेगा। गेहूं और धान की पैदावार अच्छी होगी। वृक्षों पर फल फूलों की पर्याप्त मात्रा रहने वाली है। अब बात करते हैं धानेश शनि के बारे में। तो धानेश अर्थात अनाज और धन के जो स्वामी है वो शनि होंगे। शनि के प्रभाव से खेती अच्छी होगी और अनाज की पैदावार भी अच्छे से होगी। वर्षा का सुप्रभाव होने से लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। सभी प्रकार के रस से भरे पदार्थों में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। मूल्यों में वृद्धि अधिक हो सकती है। इसमें पंजाब से जुड़े क्षेत्रों में कृषि का प्रभाव देखने को मिल सकता है। घाटे की स्थिति प्रभावित कर सकती है। इस समय वर्षा की कमी भी इसका एक कारण बन सकती है। पदार्थों में तेजी आएगी और वस्तुएं महंगी होगी। शासन की ओर से मदद मिलती रहेगी। रशेश मंगल का प्रभाव क्या होगा? तो रसों का अधिकारी मंगल इस बार है और मंगल के प्रभाव से वर्षा की स्थिति कम हो सकती है। भौतिक सुख सुविधाएं कम हो सकती है। इस समय पर गर्मी के कारण रसों में कमी का प्रभाव भी देखा जाएगा। घी, मक्खन, तेल में कुछ कमी होने से इनके जो दाम है वो अधिक बढ़ेंगे। इस समय पर प्रजा में चीजों की कमी का भय भी बना रहेगा। प्रजा और शासन के मध्य तनाव बढ़ेगा। रशेष के प्रभाव से रूखापन जीवन में अधिक रहने वाला है। निर्शेष सूर्य का प्रभाव क्या होगा? तो निर्शेष अर्थात ठोस धातुओं के स्वामी है सूर्य। तो सूर्य के प्रभाव से सुगंधित वस्तुओं का व्यापार अच्छे होने की संभावना दिख रही है। चीजों में आकर्षण का भाव होगा। लोगों में भी इसकी ओर झुकाव बढ़ेगा। इन चीजों की खरीदारी भी अच्छी हो सकती है। फलेश गुरु का क्या प्रभाव होगा? तो फलेश गुरु के जो इस बार स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और शासन में लोगों को कुछ विश्वास गहरा होगा। न्याय के प्रति लोगों की समझ विकसित होगी। विद्वानों को इस समय लाभ मिल सकता है। धनेश अर्थात धन के स्वामी, राज्य के कोष का स्वामी, तो ये जो पदवी मिली है इस बार वो सूर्य को मिली है। तो धनेश सूर्य के होने से ये समय आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय पर लोगों को लाभ में वृद्धि के कुछ अवसर मिलेंगे। शासन व्यवस्था में व्यापार करने वालों के लिए कुछ सकारात्मक स्थिति बन सकती है।
दुर्गेश गुरु का क्या प्रभाव होगा, तो दुर्गेश अर्थात सेना का स्वामी। तो गुरु दुर्गेश होने से सैन्य कार्य थोड़े सुस्त दिखाई दे सकते हैं। इस समय पर नई चीजों का आगमन तो होगा लेकिन प्रभावशाली वो अधिक दिखाई नहीं देंगे। तो दर्शकों ये था 9 संवत 2080 के आकाशीय मंत्रिमंडल के विषय में विस्तृत विवरण। हमारा आपको ये प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। मिलते हैं शीघ्र ही एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हमें अनुमति दें, नमस्कार।